बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आज हमारे जो है ये फोर्थ वीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आज जो हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है चैप्टर का नेम है जी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और आज हमने लेक्चर नंबर 1 में जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हैं जी द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड पीटरसन सॉल्यूशन। तो हम मूव करने से पहले जो है टॉपिक्स के ऊपर क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में जानते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो देखें, हम मूव करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसमें देखें जी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मीन शेयरिंग सिस्टम रिसोर्स बाय प्रोसेसेस इन सच वे दैट कंकरेंट एक्सेस टू शेयर डाटा इज हैंडल्ड, देयर बाय मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ इनकंसिस्टेंट डाटा। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस आए हुए होते हैं। अब कंकरेंट का मतलब कि एट द सेम टाइम जो है उन प्रोसेसेस ने एग्जीक्यूट होना है, लेकिन उन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूशन में होगा, बाकी जो है वो वेटिंग में होंगे। तो वो जो वेटिंग वाले प्रोसेसेस है वो भी क्या है, वो डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, यानी उस रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं जिस रिसोर्स में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कि एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो क्यू में हैं और एक एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो जो है डाटा होगा उसको शेयर कर रहे होंगे। मेंटेनिंग डाटा कंसिस्टेंसी, यानी जो डाटा कंसिस्टेंटी है, यानी उसमें आप उसको मेंटेन किया जाता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइज डिमांड मैकेनिज्म टू इंश्योर सिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन ऑफ कॉपरेटिंग प्रोसेस। तो जो अदर प्रोसेसेस होंगे वो भी क्या है, उस डाटा को रिसोर्स को शेयर कर रहे होंगे। तो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने, देखें यहाँ पर जी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है। आज हम देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ए क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट दैट एक्सेस शेयर वेरिएबल एंड हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एज एन एटॉमिक एक्शन। कि इसके पास प्रोसेसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे, यानी एक कोड सेक्शन है, लेकिन ये एक ही प्रोसेस को एक वक्त में एग्जीक्यूट करवाएगा, और वो जो कोड एग्जीक्यूट करवाएगा, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगा, बाकी प्रोसेसेस जो है वो वेटिंग में होंगे। इट मीन दैट इन ग्रुप ऑफ कॉपरेटिंग प्रोसेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन। के एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होगा, बाकी वेट करेंगे। इफ़ एनी अदर प्रोसेस आल्सो वांट टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन इट मस्ट वेट अंटिल फर्स्ट वन फिनिश। तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो पहले वाला जो है वो एंड होगा, उसको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही पहले वाला एंड हो जाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन के लिए आएगा। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास ये देखें, डू एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन। तो यहाँ पर देखें जी, एंट्री सेक्शन, यहाँ पर जब प्रोसेस आएगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने का। अब यहाँ पर कोई पहले प्रोसेस मौजूद नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो अब क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और वहाँ एग्जीक्यूट होगा। इतने में अगर कोई दूसरा प्रोसेस आता है तो उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे क्रिटिकल सेक्शन से वो प्रोसेस एग्जिट होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो दूसरा जो प्रोसेस वेट में होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, और इस तरह वन बाय वन जो है प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को जो है सेटिस्फाई करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखें, सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। जब ये तीन कंडीशन ट्रू होंगी तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखें जी, पहली कौन सी है, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है, देखें, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ कॉपरेटिंग प्रोसेस ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कि जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस आएंगे एग्जीक्यूशन के लिए, तो क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा और उस एक प्रोसेस ने ही एग्जीक्यूट होना है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ये पहली कंडीशन है। जब ये ट्रू हो जाएगी तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रोग्रेस।
इफ नो प्रोसेस इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड इफ वन आर मोर थ्रेड वांट टू एग्जीक्यूट देयर क्रिटिकल सेक्शन देन एनी वन ऑफ दिस थ्रेड मस्ट बी अलाउड टू गेट इन टू क्रिटिकल सेक्शन। कि कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रोसेस आए हुए हैं, तो उनमें से भी एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, बाकी जो है वो वेट करेंगे। नेक्स्ट देखें थर्ड, बाउंडेड वेटिंग, ये क्या होता है। आफ्टर अ प्रोसेस मेक रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग इनटू क्रिटिकल सेक्शन देयर इज अ लिमिट फॉर हाउ मैनी अदर प्रोसेस कैन गेट इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन। के एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है तो बाकी प्रोसेस जब आएंगे तो वो रिक्वेस्ट करेंगे क्रिटिकल सेक्शन को गेट करने के लिए, तो लिहाजा उनको क्या है, वेट करना पड़ेगा। जब वो वेट करेंगे तो ये बाउंडेड वेटिंग में आ जाता है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। तो देखें जी आगे, बिफोर दिस प्रोसेस रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड सो आफ्टर लिमिट इज रीच सिस्टम मस्ट ग्रांट प्रोसेस परमिशन एंड गेट इनटू क्रिटिकल सेक्शन। तो रिक्वेस्ट ज़रूरी है, जब तक रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं होती प्रोसेस की तब तक वो वेट में रहेगा। नेक्स्ट देखें पीटरसन सॉल्यूशन, तो अब हम पीटरसन सॉल्यूशन पे मूव करते हैं, इसको भी सेटिस्फाई हमने करना है। पीटरसन एल्गोरिथम इज कंकरेंट प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन अभी हम पढ़ के आए, क्या होता है कि एक वक्त में एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है। दैट अलाउ टू आर मोर प्रोसेस टू शेयर सिंगल यूजर रिसोर्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, के दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस ने जो है रिसोर्स को शेयर करने और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स के कोई प्रॉब्लम ना हो। यूजिंग ओनली शेयर्ड मेमोरी फॉर कम्युनिकेशन इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाई गैरी एल पीटरसन इन 1981। देखें जी आगे, पीटरसन सोल्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू टू प्रोसेस दैट अल्टरनेट एग्जीक्यूशन बिटवीन देयर क्रिटिकल सेक्शन एंड रिमाइंडर सेक्शन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ पर भी एक ही प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा, दूसरा जो है वो रिमाइंडर में होगा, रिमाइंडर सेक्शन में होगा। देखें अभी हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। द प्रोसेस आर नंबर P0 एंड P1 फॉर कन्वीनियंस व्हेन प्रेजेंटिंग PI वी यूज PJ टू डिनोट द अदर प्रोसेस दैट इज J इक्वल 1-i। अभी देखें इसको, पीटरसन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टू शेयर टू डाटा आइटम, यानी दो डाटा आइटम जो उनको शेयर करेंगे। अभी यहाँ पर एल्गोरिथम है जैसे डू, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर ये जो है टोटल हमारा जो है यहाँ पर एल्गोरिथम आ गया, डू फ्लैग आई ट्रू, यानी आई की वैल्यू हमने क्या है ट्रू करवानी है और हमने उसको टर्न करवा देना है जे को, यानी वो जब ट्रू होगा तो आई की वैल्यू जे में चले जाएगी। वाइल फ्लैग जे टर्न इज इक्वल टू जे क्रिटिकल सेक्शन, तो वो कहाँ चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा प्रोसेस, और अगर वो आई फॉल्स हो जाता है तो वो रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। अब दो ही कंडीशन है कि आई को ट्रू करवाएंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में, और अगर फॉल्स हो जाता है तो वो रिमाइंडर सेक्शन में चला जाता है। तो ये इस कोड का मकसद यही बताना है कि हमने आई को ट्रू करवा के क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होना है और अगर आई फॉल्स हो जाता है तो वो रिमाइंडर सेक्शन। अब दो प्रोसेसेस हैं तो उनमें से जब एक प्रोसेस डेफिनेटली ट्रू कंडीशन पे होगा तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स कंडीशन पे होगा तो वो क्या है रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। वेल, हम मूव करते हैं पीटरसन सॉल्यूशन की वर्किंग पे कि किस तरह वो वर्क करता है। देखें यहाँ पर वर्किंग दिखाई गई है, द वेरिएबल टर्न इंडिकेट हु टर्न इट इट इज इंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। के टर्न का मतलब ये है कि जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अपने क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इफ टर्न इज इक्वल टू आई देन प्रोसेस PI इज अलाउड टू एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन। कि जब टर्न आई इक्वल होता है तो PI जो है वो एग्जीक्यूशन में चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। द फ्लैग अरे इज यूज टू इंडिकेट इफ प्रोसेस इज रेडी टू इंटर क्रिटिकल सेक्शन। फ्लैग जो है वो ये इंडिकेट करवा रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, इफ फ्लैग आई इज ट्रू द वैल्यू इंडिकेट PI इज रेडी टू इंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। के जब फ्लैग आई की जो वैल्यू है वो ट्रू है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रेडी है। द इंटर द क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस PI फर्स्ट सेट फ्लैग आई, यानी हम पहले उसको फ्लैग को आई की वैल्यू देंगे टू ट्रू और फिर उसको ट्रू करवाना है, देन सेट टर्न टू वैल्यू जे, फिर हम जो वैल्यू जे को दे देंगे। देयर बाई रिजल्टिंग दैट इफ अदर प्रोसेस विशेज टू इंटर क्रिटिकल सेक्शन इट कैन डू सो।
यानी ये हमारा जो वैल्यू जे को देने का मकसद यही है कि अगर वो दूसरा प्रोसेस भी विश करता है तो जैसे ये आई फॉल्स होगा तो वो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ये हमने जो वैल्यू जे को इसलिए दी है टर्न की। नेक्स्ट देखें, इफ बोथ प्रोसेसेस ट्राई टू इंटर एट द सेम टाइम टर्न विल बी सेट बोथ आई एंड जे रफली एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में अगर वो जाना चाहते हैं तो हमने दोनों को वैल्यू सेट करवा देनी है। ओनली वन ऑफ दीज असाइनमेंट विल लास्ट द अदर विल अकर बट विल बी ओवर रिटर्न इमीजिएटली। लेकिन ये एक वक्त में क्योंकि दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक वक्त में एक प्रोसेस होता है तो इमीजिएटली क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो हम थोड़ा इसके बैक चलते हैं, मैं आपको उसकी वैल्यू जो है दिखा देता हूँ अगेन उस अल्गोरिदम कोड की। यहाँ पर देखें जी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम पीटरसन सॉल्यूशन का जो है एल्गोरिथम देखते हैं। ये यहाँ पर आ गया पीटरसन सॉल्यूशन का जो है ये वाला फ्लैग आई, हमने ट्रू करवाया तो जो है प्रोसेस वन जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाते हैं। और टर्न हमने इक्वल जे इसलिए किया कि अगर दूसरा प्रोसेस विश करता है तो वो भी, यानी बाद में जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से निकलेगा तो वो अपने जो है क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू टर्न की जो जे को देने का मकसद है यही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वर्किंग आपने देख ली, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो है वी नाउ प्रूव दैट द सोल्यूशन इज करेक्ट, के जो पीटरसन का सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है उसको हम प्रूव करते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज प्रिजर्व, के म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व हुई या नहीं, तो इसमें डेफिनेटली प्रिजर्व हुई है कि एक ही वक्त में एक ही प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में था तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारी क्या है, ये सेटिस्फाई है। प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाई, कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा जो है वो रिमाइंडर में है, वो अभी वेटिंग में है, यानी प्रोग्रेस हो रही है तो इसका मतलब है कि ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। थर्ड बाउंडेड वेटिंग, तो डेफिनेटली जो सेकेंड प्रोसेस था वो वेटिंग में था, वो भी मेट है। तो लेक्चर नंबर वन हमारा जो है देखें एंड हो गया। इसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस किए कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यही था कि क्रिटिकल सेक्शन जो एक कोड ऑफ सेगमेंट, उसमें एक ही वक्त में एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है, उसके हमने जो कंडीशंस देखी जिसमें हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस और उसके बाद बाउंडेड वेटिंग था। फिर हमने पीटरसन सॉल्यूशन देखा, पीटरसन सॉल्यूशन से भी यही साबित हुआ कि क्रिटिकल सेक्शन में एक वक्त में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये हमारे लेक्चर नंबर वन का ओवरव्यू था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप क्वेश्चन करें। और अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर टू होगा, तो देखें लेक्चर नंबर वन हमारा जो है दी एंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।